तो आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि कभी कभी थोड़ा सा वेट लॉस मिलता है अपन को, लाइक 200 ग्राम्स, या आई थिंक 1 किलो 1 महीने में हुआ कम, या फिर सिर्फ 2 किलो हुआ कम. तो वी फील डिसहार्टेंड, हमें बुरा लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपने मन मार मार के डाइट कर रहे हैं एंड ऑल दैट. फर्स्टली, मन मत मार के डाइट करो, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे. दूसरी चीज़, जब हमें ऐसा लगता है, यू शुड ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ, यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ कि छोटा सा अगर हमको अचीवमेंट मिलता है, भले ही वो 200 ग्राम कम होने का अचीवमेंट हो, चाहे 1 किलो कम होने का अचीवमेंट हो, या पूरे महीने में 2 किलो या 3 किलो कम होने का अचीवमेंट हो, इट्स स्टिल एन अचीवमेंट. और जब ये अचीवमेंट है, थोड़ा भी कम हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो वर्क किया है जो आप कर रहे हैं. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज लुक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और उसको रेक्टिफाई करो. अगर आपके प्रोसेस्ड कार्ब्स ज़्यादा हैं तो उनको कम कर दो. अगर आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले रहे हो तो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ा दो अगले महीने से. या फिर आप हाइड्रेशन जो है आपका अच्छा नहीं है, पानी पीना ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ इंक्रीज़ योर वाटर इनटेक. उससे भी आपको आपकी जो भूख है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, जितना पानी आप पीते रहेंगे. जूसेस की जगह आप ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक लॉट्स ऑफ सैलड्स, क्योंकि वो आपका पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखेगा. तो ये सब चीज़ें आप सोचिए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं जिसके कारण आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला. हो सकता है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, जस्ट गो फॉर अ वॉक, कुछ तो थोड़ा सा कर लो. तो अपने आप को जस्ट चेक करो कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपने रॉन्ग की होंगी इस टाइम पे, और उस चीज़ को करेक्ट करिए. लेकिन नेवर 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 फील सैड अबाउट योर प्रोग्रेस. थोड़ी ही सही, लेकिन कम से कम वो प्रोग्रेस है. और आप जहाँ थे वहाँ से इतना सा स्टेप आगे भी ये दिखाता है कि यू कैन रीच वेयर यू वॉन्ट टू बी, राइट? तो इसलिए कीप ऑन डूइंग दैट. दूसरी चीज़, मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हूँ जब मैं वेट लॉस कर रही होती हूँ. तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लाइक मुझे बड़ा पसंद है ऑनलाइन शॉपिंग करना. मैं खरीदती कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस देख के उसमें अपने आप को इमेजिन करके देखती हूँ कि हाँ, ये जो है इसमें मेरे आर्म ज़्यादा दिखेंगे, मैं ये नहीं खरीद सकती, आई डोंट थिंक आई लाइक दैट वन. इस पैटर्न में मैं ज़्यादा स्लिम दिखूँगी, तो आई थिंक दिस आई पुट इन द कार्ट. या फिर हाँ, ये काफ़ी फ्लोइंग है, ये इसका क्लॉथ मटेरियल बहुत अच्छा है और मेरे ऊपर बहुत सूट करेगा, या इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है एंड दिस इज़ गोइंग टू लाइक मेरी मेरे स्टाइल पे ज़्यादा सूट करेगा. तो मैं अपने आप को उन ड्रेसेस में इमेजिन करती हूँ और उन ड्रेसेस को अपने साइज़ जो मैं चाहती हूँ अचीव करना, उस साइज़ का सिलेक्ट करके मैं अपने बास्केट में डालती जाती हूँ. मैं खरीदती नहीं हूँ उनको, बस मैं बास्केट में डालती हूँ. एंड मे बी आई प्रोमिस माई सेल्फ, मे बी वेन आई अचीव माई गोल, तो इनमें से कोई अगर ड्रेसेस अवेलेबल हुई उस वक्त, अगर वो चली नहीं गई हो, किसी और ने नहीं खरीद लिया हो, तो मे बी आई विल बाय वन और टू ऑफ देम, जस्ट टू ट्रीट माई सेल्फ कि ओके, आई अचीव्ड इट, आई अचीव दैट साइज विच आई वॉज लुकिंग फॉर, एंड आई एम एबल टू वेयर दिस ड्रेस विच आई हैड थॉट अबाउट, तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं. एक आध कोई ड्रेस आप खरीद के रख सकते हैं जो कि आपकी गोल्ड ड्रेस है, जो कि आप अपने वेट लॉस के बाद आप पहनना चाहते हैं. लेकिन आई जस्ट फाइंड इट वेरी, आपका जो पैसा है वो स्टैगनेंट हो जाता है और पता नहीं आप एग्जैक्टली उस साइज में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. लेकिन एंड ऑल्सो मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन यू फाइनली वेयर दैट एंड सी व्हेन यू हैव
यू नो रिड्यूस्ड योर वेट और आप गोल वेट पे पहुंच गए हो, लेकिन आपको जब आप पहनते हैं तो आप दिखते हैं कि नहीं नहीं इसका जो मेक है वो इतना अच्छा नहीं. तो इसलिए आई सजेस्ट डोंट बाय एंड कीप एनीथिंग. लेकिन हाँ, इमेजिन करिए अपने आप को अच्छी अच्छी ड्रेसेस में. ये जो इमेजिनेशन है, जो विजुअलाइजेशन है आपका खुद के लिए कि आप स्लिम दिख रहे हो, ये बहुत हेल्प करता है आपके माइंडसेट में. प्लस आपको एक प्रोत्साहन देता है कि हाँ ठीक है, जब मैं कर लूँगी, और एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर कि यू नो आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट. तो एक ये चीज़ रहती है. जब भूख लगती है तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को रिमाइंड करती रहती हूँ कि बस थोड़ा टाइम और बचा है, एक घंटा और बचा है, चार घंटे और बचे हैं, एंड देन आई जस्ट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट. अपने आप को किसी काम में लगा लिया, कुछ करने लगे, तो उससे भी आपका दिमाग भूख से हट जाता है. और साथ ही अगर ऐसे हंगर पैंग्स इनिशियली ज़्यादा आते हैं जैसे ही फास्टिंग चालू करते हैं हम लोग, लेकिन बाद में वो कम हो जाते हैं, तो उस समय मैं अपना गर्म कप चाय का, जो आपने देखा है मेरा बड़ा सा कप और वीडियोस में मैंने दिखाया था, तो वो ग्रीन टी जो है उसमें मैं बना करके दिन में बस पीती रहती हूँ, पीती रहती हूँ. तो मेरा हाइड्रेशन का काम भी हो जाता है, प्लस वो हंगर पैंग्स के कारण टेंशन भी नहीं होता. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई डू. ऑल्सो मैं शाम के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ अपनी मील्स को, मतलब फ्रिज में रख दिया, या सुबह से शाम तक जो भी कुछ बना और मुझे लगता है कि यू नो ये हेल्दियर है और इसको मैं कंज्यूम कर सकती हूँ अपने मील में, तो उसके स्मॉल स्मॉल बाउल्स आई जस्ट कीप इट इन द फ्रिज. शाम हुई, अपना गर्म किया और यू नो खाने बैठ गए, तो आपको एक बार फास्ट टूटता है उसके बाद में आपको बैठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मैं क्या खाऊं, बिकॉज दैट अगेन यू नो इट यू नो प्लेज विथ योर माइंड. तो इसीलिए जब भूख लग रही ना उसी समय सोच लो कि अच्छा चलो आज मैं ये बनाने वाली हूँ. जब आपका फास्ट खत्म होने में 3-4 घंटे बचे हैं या कुछ, अपना मील रेडी करना चालू कर दीजिए, रेडी करके रख दो, कीप इट पैक, कीप इट ऑन द प्लेट, वॉट एवर यू लाइक, एंड एज सुन एज यू फिनिश हैव इट. फ्रूट्स कट करने, कट करके रख दो. स्मूदी बनाना है वेजिटेबल्स की, तो वो बना करके फ्रिज में स्टोर कर दो. 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है, अच्छा फ्रिज में रखा रहेगा. जब आपको कोई गर्म चीज़ है जो आपने बनाई है उसको निकालो, माइक्रोवेव करो और खाओ. सो यू डोंट हैव टू यू नो प्लान, स्पेशली वेन एज सून एज यू ब्रेक योर फास्ट, क्योंकि उस समय आपको बस भूख लगी हुई होती है एंड यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन थिंकिंग कि यार अब क्या खाओ, बिकॉज अगेन यू जस्ट हैव 4 hours or 3 hours ऑफ ईटिंग और मे बी 6 hours ऑफ ईटिंग इफ यू आर डूइंग 18 hours ऑफ फास्टिंग. तो उसमें आपको इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना है, तो इट विल जस्ट बी ईजियर फॉर यू. और जो भी खाना बनाते हो उसको अच्छा बनाओ, टेस्टी बनाओ, न्यूट्रिशियस बनाओ. थोड़ा सा थॉट दो उसको कि क्या करना है. अगर नहीं दे पा रहे हो किसी किसी दिन थॉट, इट्स फाइन, इट डजंट मैटर, सीरियसली इट डजंट मैटर. कभी कभी इज ओके टू जस्ट हैव वट एवर इज देयर इन द हाउस. रोटी सब्जी जो सबके लिए बनी है वो खा लो. जिस दिन हो सकता है अच्छा सैलड बना लो, या फिर कुछ अपने लिए एक 1-pot meal बना लो, दाल के अंदर खूब सारी सब्जियां डाल करके उसको अच्छा बॉईल करके उसमें हींग, नींबू, मिर्ची, एक अच्छा यू नो बड़ा सा बाउल दाल का खा लिया, इतनी सारी प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं आपको, साथ में बहुत सारा फाइबर और द गुडनेस ऑफ वेजिटेबल्स यू गेट. तो ये कर सकते हैं. वर्मिसली बना लो किसी दिन, जिसमें आप ग्रेट करके सारे वेजिटेबल्स डाल दो, बहुत सारे. तो यू नो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू. जस्ट थिंक अहेड इन टाइम, थोड़ा सा प्लानिंग करो कि मैं, मुझे अगर वर्मिसली खाने का मन है या पास्ता खाने का मन है या पुलाव खाने का मन है, तो उसको मैं हेल्दी कैसे बना सकती हूँ. ये सोचो कि है ना इसमें हम और क्या वेजिटेबल्स डाल सकते हैं. जितने डालोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा जाएंगे टेस्ट में, लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा आपको ये चीज़ करने में, राइट? अच्छा, मेरा एक बहुत ही फेवरेट डेजर्ट है जो कि आई रियली लाइक, क्योंकि यू नो गाइस आई हैव स्वीट टूथ. तो ये जो डेट्स आते हैं ना, जो सॉफ्ट वाले जो ड्राई डेट्स आते हैं, उसके अंदर का आप पिप हटा दीजिए, जो बीज है उसको हटा दीजिए, और उसके बीच में जो जगह है उसके अंदर आप डालिए पीनट बटर.
और पीनट बटर द बेस्ट दैट आई लाइक इज़ द चंकी वन, तो वो चंकी पीनट बटर उसके बीच में जहाँ पे उसका सीड था वहाँ लगाइए और उसके ऊपर डालिए थोड़ा सा सी सॉल्ट और बस उसको खा के देखिए, ओह इट्स सो गुड। आप मार्स बार जो होती है ना, वो पीनट्स की जो आती है, आप उसको भूल जाओगे, इट्स सच अ गुड चॉकलेट। तो एक हेल्दी चॉकलेट है, वर्जन है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, गुड फाइबर मिलता है, आयरन रिच होते हैं डेट्स, तो इट्स अ हेल्दियर वर्जन ऑफ यू नो अ चॉकलेट और अ डेजर्ट दैट यू कैन हैव एंड आई रियली लव इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई, बहुत ही मज़ेदार होता है ये। तो आप इसको दो या तीन खाओगे, यू विल फील जस्ट सेटिस्फाइड यू नो, एंड प्लस जो आप सी सॉल्ट डालोगे उसके ऊपर, ओहो माइंड ब्लोइंग है। मुझे इसी तरह से कोई आपकी भी ऐसी चीट रेसिपीज हैं जो कि आर स्टिल ऑन द हेल्दियर साइड और यू नो यू ईट एंड सो ईजी टू मेक, मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। और ये भी बताना कि आप लोग क्या करते हैं जब आप फास्टिंग के टाइम पे यू नो अपने आप को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, या आप अपने आप को मोटिवेशन कैसे देते हैं, क्या मेरी तरह के आपके पास भी कोई आइडियाज़ है? अगर है तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट्स में, हो सकता है दूसरों को भी इससे कोई हेल्प मिले और मुझे भी मिले। बाय, थैंक यू फॉर फॉलोइंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट। तो मैं इसी तरह से कोशिश करूँगी कि रोज़ कुछ ना कुछ बना दिया करूँ जब तक मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ, और थोड़ा सा अकाउंटेबल भी रहूँगी इस बहाने। और जो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू ऑल। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है कि वो लोग भी मेरे साथ में फास्टिंग कर रहे हैं, इट आई रियली फील हम्बल्ड कि मैं थोड़ा भी अगर आप लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ तो थैंक यू सो मच, बाय।